अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस घंटे को ताकि आप देख पाए मेरे वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्वादिष्ट पकवान में। मैं आज बनाने जा रही हूँ शकरपारे। इसके लिए हमने लिया 3 कटोरी मैदा, 1.5 कटोरी शुगर पाउडर, इलायची पाउडर, 3 बड़े चम्मच घी, 1 कटोरी दूध। सबसे पहले हम चीनी को दूध में घोलेंगे। पाउडर जब अच्छे से घुल जाएगा तब तक चलाते रहेंगे। अब मैदे में हम घी का मोयन डालेंगे। मोयन डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो इसमें सौंफ पाउडर भी डाल सकती हैं। फिर चीनी और दूध के घोल से इसको गूंथ लेंगे। इसको हमको चीनी अंदर ही सारा डालना है, इसलिए 1.5 कटोरी जो चीनी का पाउडर था सब इसी में डालकर हम गूंथेंगे। फिर कपड़े से इसको अच्छे से ढककर छोड़ देंगे। आधा घंटा हो गया है, अब इसको अच्छे से फिर मिला लेंगे। अब इसका हम लोई बना लेंगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे पाटे पे। पाटे पे बेलने के बाद इसको हम काटेंगे। चाकू से इसको हम काट लेंगे। इसी तरह सारे शकरपारे को बेलकर हम काट लेंगे। अब कढ़ाई में घी गरम करेंगे। ये गरम हो चुका है, अब इसमें हम शकरपारे को डालकर तलेंगे। गैस का हम लो फ्लेम कर देंगे क्योंकि शकरपारा मोटा है। इसको हम हल्के लो फ्लेम पे ही तलेंगे। अभी देखिए शकरपारा तल चुका है। इसी तरह सारे शकरपारे को हम तल लेंगे। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।